नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रावण दक्षिण रिएक्शन माता जी। नमस्ते, हम रिएक्ट करने वाला है मेजर गौरव राणी सर के वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली भाई इसका टाइटल वाला वो भाई रहने वाला है मोदी गवर्नमेंट बैंस मसराद आलम फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर अंडर UAPA। तो कुछ ना कुछ रहने वाला है, शायद कोई बैन कर रखा है उन्होंने गवर्नमेंट ने, कोई कोई शायद कोई कोई कहते मुस्लिम लीग रही होगी जिसके अंदर मसराद आलम जो है शायद उनका लीडर रहने वाला है। तो वही देखेंगे हाँ भाई ऐसे ऐसे क्या चीज़ थी जो उनको बैन करना पड़ा। तो देखते हैं किस तरह वीडियो देगी। तो मैंने जरिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत अनलॉफुल बता दिया गया है। UAPA आपको पता ही है, UAPA ऐसा कानून है जिसकी कोई काट नहीं है। अब मसर्रत आलम भट्ट मसर्रत इसका हेड, इसका चेयरमैन, शक्ल देखिए मसर्रत आलम ओ भाई साहब शक्ल देख ली, शक्ल ऐसी है भाई साहब की कि माँ बच्चे से कहे कि बेटा सो जा वरना मसर्रत आलम आ जाए। ये आदमी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी लगा हुआ था, ये आदमी सैयद अली शाह गिलानी के फैक्शन का भी था और उनकी जगह लेना भी चाह रहा था। टेम्परेरी कैपेसिटी में उसका बड़ा सीनियर अहदेदार भी था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। ये कई बार जेल जा चुका है और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं दोस्तों पत्थरबाजी की, जब हम बात करते हैं कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, जब हम बात करते हैं कश्मीर में फंड रेजिंग की, ओ फंड रेजिंग यार इससे पैसे लिए वहाँ से लिए मस्जिदों में अनाउंसमेंट कराई कि ये एक तंजीम है आप इसके साथ ताउन कीजिए, आप 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जिसकी जैसी हैसियत जिसकी जैसी औकात ये सारे काम ये करता था। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया और भाई के पीछे UAPA लग गया है। अब ये कहाँ जाएगा कहाँ भागेगा सोचिए। मैं जरा आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ दोस्तों, ये बैकग्राउंड ना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड है। क्या था कि एक पूरा इकोसिस्टम कश्मीर में फंक्शन करता था दोस्तों। हुर्रियत क्या है? हुर्रियत एक पार्टी नहीं है, हुर्रियत एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर 2 दर्जन पार्टीज थी उसके अंडर और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये बनाई थी पाकिस्तान की ISI ने। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जन्म लिया और इस प्रकार के जो प्राणी थे उसमें मसर्रत इस प्रकार के प्राणी जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज थे, जो बहुत ज़्यादा जिहादी माइंडसेट रखते थे, उन सब लोगों को पकड़ा और उन सब लोगों को बोला कि ठीक है तुम हमारे साथ आ जाओ। अब ये इकट्ठा हो गए। क्या हुआ कि इनको भारतीय स्टेट ने भी फंड करा दोस्तों। आपको सुनकर बड़ा शौक होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ इंडियन स्टेट ने इनको कैसे फंड करा। इंडियन स्टेट को ऐसा लगता था कि हम लोग कश्मीर में, अब देखो सेपरेटिज्म तो हो ही रही है, जो लोग हथियार ले रहे हैं अपने हाथ में वो तो ये बोल ही रहे हैं कि हमें भारत से अलग होना है। वो लोग तो ये AK-47 लेके चल चुके हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ से, पूरा एक जिहाद की फैक्ट्री पाकिस्तान ने कश्मीर में खोल दी थी। तो उस समय किसी बुद्धिजीवी का दिल्ली में ये ख्याल आया कि भैया ऐसा है कि इनको पैसे देते रहो। किन को पैसे? हुर्रियत, क्योंकि हुर्रियत जो है बातें करता था, हुर्रियत हथियार नहीं चलाता था। हुर्रियत आतंकवादियों के साथ टेररिस्ट के साथ घुला मिला तो था लेकिन हुर्रियत अपने आप में काइनेटिक एक्शन नहीं करता था। तो इनको लगा कि हुर्रियत को पैसे देते रहो, पैसे देके इनको खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ऐसा होगा कि भाई वो यूनाइटेड नेशंस के जो कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन थे अगर उसके ऊपर कभी वोटिंग आएगी तो ये लोग हमसे इतना पैसा ले चुके होंगे कि उस दिन ये चुप हो जाएंगे और बोलेंगे कि चलो यार जैसा भी है चलो भारत के साथ ही ठीक है। ये किसी महान आत्मा ने आइडिया लगाया। कौन था भाई महान आदमी? दोस्तों दो बातें बताता हूँ, जब 370-35 से हटा तो इसी कारण से हटा कि मोदी सरकार ने फैसला कर दिया कि ना हमें UN की बात माननी है ना हमें हुर्रियत की जरूरत है। जो पत्थर फेंकेगा उसके कान के नीचे 3 लगाओ और जेल में डालो, जो आतंकवादी है उसको तुम्हारा बहुत हो गया, प्रोटेस्ट ड्रामा आया है, छाती पीटना, विक्टिम कार्ड, ये सब डालो कोने में। उन्होंने इंटरनेट विंटरनेट का लॉकडाउन करा, 370-35 से हटाया, कश्मीर घाटी शांत हो गई 5-6 महीने में, कहानी खत्म हो गई, अब नॉर्मल हो चुकी है लगभग। अभी भी एनकाउंटर चल रहे हैं, अभी भी मौतें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा कम। अब एक और बात बताता हूँ दोस्तों, यही गलती इसराइल ने करी जो गलती भारत ने करी थी। और मुझे लगता है कि भारत को ये चीज़ इसराइल के साथ पता नहीं, भारत ने उन्हीं को स्टडी कर लेनी चाहिए थी, हम क्या शेयर करते हैं तो ओपन है। इसराइल ने क्या गलती करी आपको पता है? इसराइल ने भी हमास को, क्योंकि हमास की सरकार चलती थी गाजा में, तो
बोला कि नहीं हम फिलिस्तीनियों को नौकरियां देंगे। सपोर्ट तो उन्होंने करा था पहले फिलिस्तीनियों को, बड़े हजारों दर हजारों फिलिस्तीनियों को हम नौकरी देंगे, और जितना फिलिस्तीन में उनको पैसा मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा उनको सैलरी दी, सब कुछ दिया उनको, अस्पताल से लेकर स्कूल से लेकर जो चाहिए बताओ, क्योंकि इसराइल को ऐसा लग रहा था कि सांप को दूध पिलाने के बाद वो खरगोश बन जाएगा, थोड़ी होता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यार आप सपोले को कितना भी दूध पिलाओ उसकी फितरत तो सांप बनना है, और सांप की फितरत है काटना, राइट। यही चीज भारत ने गलती करी थी। अब आप दो समझ रहे हैं, इसराइल और भारत दोनों ने सेम गलती करी। भारत ने भी यही गलती करी कि इनको पैसा देते रहो, इनका इलाज करवाते रहो। गिलानी खुद आता था दिल्ली में, और भाई साहब वीआईपी मूवमेंट, आगे कमांडो पीछे कमांडो, ये आ रहा है इस होटल में, उसके फॉलोअर रह रहे हैं यहाँ जम्मू और कश्मीर भवन में, ये चल रहा है, पूरा ड्रामा चलता था। पैसे कौन देता था? आप और हम, हमारे टैक्स के पैसे जाते थे। गिलानी ऐश करता था, महा करप्ट आदमी गिलानी, महा लोग कहते हैं मर गया उसके खिलाफ, बुरा बुरा तो था ही, वो झूठ क्यों बोल रहा होगा, तो बुरा तो था ही, महा करप्ट आदमी, महा करप्ट आदमी, ठीक है। तो अब ये मसर्रत आलम की टाई टाई फेस कर दी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। जमात इस्लामी, ठीक है, जमात इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके कार्डर एक ही जैसे भाई साहब, और एक और पॉलिटिकल पार्टी, तो दाढ़ी कटवानी पड़ेगी भाई, वरना कुछ दिनों मैं भी ऐसी लगूंगा ट्विटर पे ना, मैं ज्यादा बोलूंगा मैडम फिर से पता नहीं बोलेंगे कि फोन वोन आ जाएगा कश्मीर से कि मेजर साहब ये क्या बात है, मैडम ने ब्लॉक कर रखा है। उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो एक जमाने में जमात उल इस्लामी के हुआ करते थे, सारे के सारे जमात वाले और हिजबुल मुजाहिदीन वाले, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। अब मसर्रत आलम की हो गई टाइम फिक्स। तो ये कश्मीर का मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताया, एक और बात, कश्मीर में आपको पता है रोहिंग्या पहुंच गए, आपको पता है जम्मू में रोहिंग्याज हैं, आर्मी की कैंटोनमेंट के बिल्कुल बगल में, आपको पता है बेंगलोर में रोहिंग्याज हैं, आपको पता है इंदौर में रोहिंग्याज हैं, आपको नहीं पता होंगी ये सब बातें, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में पहुंच गए, हर सिर्फ असम ने निकाला उनको, पूरे रोहिंग्या पहुंच गए। इंडोनेशिया दोबारा घुसने की कोशिश करी कल रोहिंग्याओं ने, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई इंडोनेशिया की, जबकि रोहिंग्या भी मुसलमान हैं, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, सही बात, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है। इंडोनेशिया ने क्या बोला? इंडोनेशिया ने वहा ये सब लोग आ गए, सब लोग आ गए समुद्री तट पर जहाँ पे रोहिंग्या की नाव आ रही थी, हजारों की भीड़ खड़ी हो गई वहां पर, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठी, जिसके हाथ में जो हथियार, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गया कि तुम हो कौन जो तुम इंडोनेशिया के अंदर घुस रहे हो ऐसे। तो उन्होंने बोला रोहिंग्याज ने जो उनके आसपास हैं कि हमें आने दो आने दो, कि असी भी मुसलमान थे तो सिर्फ उन्होंने नथिंग डूइंग, भागो यहां से, भागो यहां से। पहले मुसलमानों भगा दिए, पर लोगों का ना बड़ा दिल मचलता है, सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है, यहां के लेफ्ट वाले, यहां के वामपंथी, भाई साहब इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे ये रोहिंग्या हमारे भाई हैं, अपने घर में रख लो ना, फिर जितने भी वामपंथी सब लोग अपने घर में 5-5 रोहिंग्या रखो, तब मैं मानू। देश के अंदर आ गए इंडोनेशिया दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, उन्होंने गेट आउट, उन्होंने अपनी सरकार का वेट नहीं करा, उन्होंने पुलिस का वेट नहीं करा, वो खुद आ गए वहां पे, और खुद उन्होंने फिजिकली रोक दिया, बोला भागो यहाँ से, पता है ना कैसे भाग रहे हैं जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो रही है, ये जो पूरा मैटर है ना, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हम कहीं और की भी बात करें, एक जैसी सुरताल चल रही है हर जगह, एक जैसी सुरताल, राइट। कश्मीर में इन लोगों ने, यहूदियत वालों ने एक विक्टिमहुड का नैरेटिव बनाया, हाय हाय हम परेशान हैं, क्यों परेशान हो यार, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग खुश हैं यार, अपना काम कर रहे हैं, दो रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? पाकिस्तान ने इनके दिमाग में जहर डाल दिया कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, अब किसी को नहीं चाहिए आज़ादी, तो आजादी इसको जिसको चाहिए, से बात करो ना, मैंने बोला देखो बताओ, हमारे पैसों से इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां चल रही थी कश्मीर में, देख रहे कितने कितने यार कैसे कैसे पॉलिटिशियन रह चुके हैं यार, और आज के टाइम को ये लोग कोसते हैं, बताओ उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे क्या होता था बताओ, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, और उस टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर कम से कम भारत का अभिन्न अंग तो है ढंग से, 370 लगा करके पता नहीं इन्होंने क्या तीर मारना चाह रहे थे, क्या अलग संविधान, क्या अलग झंडा कुछ करना चाह रहे थे पता नहीं, और देश के जो बड़े बड़े वो बनते हैं आज के टाइम पे कि हाँ भाई हम तो ये हैं,
हमारे संविधान ने क्या दिए कर दिए कर दिए उस टाइम पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो देखा था वीडियो काफी अच्छी लगी देखने में, तो आए छोटे छोटे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छा पता नहीं, जय श्री राम।